हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेके आ गई हूँ। यूथ कंपटीशन चैप्टर वाइज एमसीक्यू का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से सारी शिक्षा का इतिहास एवं विभिन्न खेल संस्थाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये 8वां वीडियो है इसका, प्रैक्टिस का जो लास्ट है। उसके बाद आपका खेल समाजशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। तो दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं। चाहे यूपी टीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसका एग्जाम अब लास्ट नवंबर या दिसंबर में अवश्य होगा, इसलिए पहले से प्रिपरेशन करते रहिए। सीट बहुत कम है, जान ही रहे हैं। एंड एमपी टेट का एग्जाम का परिणाम आ गया है, तो उसका जो मेन एग्जाम होगा एमपी टेट मेन एग्जाम वर्ग 2-3 वो भी होगा ही। एंड बिहार या स्टेट का आया हुआ है, यूपी एलटी ग्रेड का आएगा, 2018 के बाद आया ही नहीं है। तो पहले से प्रिपरेशन करते रहिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए किसी न किसी एग्जाम में और अपने लाइफ को सेटल कीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा अध्यापन से प्राप्त होने वाले पुरस्कारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वस्थ जीवन शैली को प्रोन्नत करना, कभी भी नौकरी मिलना, अवकाश के समय का आनंद उठाना, सामाजिक संपर्क सूत्र बढ़ाना, ये नहीं। शायद शिक्षा अध्यापन से प्राप्त होने वाले पुरस्कारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है स्वस्थ जीवन शैली को प्रोन्नत करना, ठीक है। एंड जस्ट शारीरिक शिक्षा अध्ययन से प्राप्त होने वाले पुरस्कार का मतलब है कि स्वस्थ जीवन शैली को प्रोन्नत करना और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता पूर्वक व्यक्तिगत अभिरुचि से शरीर स्वस्थ तथा प्रतिदिन का व्यायाम व्यक्ति को स्वस्थ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का अध्यापन किस कारण शारीरिक शिक्षा क्रियाकलाप को अपनाता है? किस कारण अपनाता है? बच्चों के प्रति प्यार, ठीक है, बच्चों के प्रति प्यार के कारण अपनाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका आर्थिक लाभ, अपनी नौकरी के एक भाग के रूप में व्यवसाय के प्रति निष्ठा, ये सब आपका ऑप्शन कभी भी नहीं होगा, ये नेगेटिव ऑप्शन रहेंगे, हमेशा याद रखिएगा। तो भविष्य में शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को उन बातों के सही तरीके से सूचीबद्ध कर लेना चाहिए जिनके कारण वह अध्ययन व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं, तथा शारीरिक शिक्षा का अध्यापक बच्चों के प्रति प्यार तथा दूसरे की सहायता करने की इच्छा के कारण कई शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षक अध्ययन कार्य करना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारण किसी व्यक्ति को शिक्षण व्यवसाय में आने के लिए प्रभावित करता है? तो दोस्तों, कौन सा ऐसा कारण है जो किसी व्यक्ति को शिक्षण व्यवसाय में आने के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रभावित करता है? तो व्यक्तिक अभिरुचि, हमारा मन रहेगा, रुचि रहेगा जिस चीज़ में, उसी चीज़ में तो हम जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर अभिरुचि आपका हो जाता है। व्यक्ति को शिक्षण व्यवसाय में आने के लिए व्यक्तिक अभिरुचि, पसंदगी, नापसंदगी, अध्यापक व्यवसाय अपनाने के लिए निर्णय की अनिवार्यतः प्रभावित करता है, तथा शिक्षा व्यवसाय में आने के अन्य कारण भी गिनाए जाते हैं, जैसे घर से बाहर निकलने का अवसर मिलना, शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहना आदि, ठीक है। एंड क्योंकि दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, थार्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तत्परता यानी कि रेडीनेस, आपका जिसमें रुचि है, आप तत्पर रहेंगे किसी कार्य में तभी आप सीख सकते हैं या उसको अपना सकते हैं। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा अध्यापन कार्य की प्रकृति है। तो कैसा प्रकृति है शारीरिक शिक्षा के अध्यापन कार्य की? तो यह प्रकृति है अध्यापन का अनौपचारिक स्वरूप, अध्यापन का अनौपचारिक स्वरूप। शारीरिक शिक्षा अध्यापन कार्य विद्यालय परिवेश में मिलने वाले कक्षा में अध्यापन की तुलना में व्यायामशाला में उपलब्ध शिक्षा अध्यापन का अनौपचारिक स्वरूप की प्रकृति है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी सोसाइटी फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स सनिपेस किस वर्ष में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सम्मिलित हुआ? ये क्वेश्चन आपका एमपी टेट में आया हुआ था। तो 1987 में सनिपेस जो है साई में, यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में विलय हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1984 को हुआ था। एंड वर्ष 1987 तक NSNIS सोसाइटी फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड
स्पोर्ट्स यानी सनी पेस, एनएसएनआई या सनी पेस, ये 1987 तक के तक ही कार्य कर रहा था। फिर समय 1987 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के साथ ये मिला दिया गया ताकि खेलों के प्रति एकात्म चेतना जागृत हो और उन्हें प्रोत्साहन मिल सके। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स बेस पे, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे भरमार और पूछे जा रहे हैं इस समय। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो ए अभिकथन है वो सही है या नहीं। अगर सही है तो उसके संबंध में जो आर तर्क बताया जाता है, अगर सही है तो भी आपका सही लिखना है, और उसके ए के संबंध में तर्क नहीं बता रहा है तो आप लिखेंगे कि ए सही है बट आर उसका ए का सही व्याख्या नहीं है। तो इस प्रकार से आपको छांटना है। तो अभिकथन ए है कि शारीरिक शिक्षा एक कला तथा एक विज्ञान दोनों है, तो बात सही है, तो ए आपका राइट है। एंड आर उसके बारे में जो तर्क दिया गया है कि व्यवसायिक क्रियाकलापों में सौंदर्य शास्त्रीय मूल्य होते हैं, सौंदर्य शास्त्रीय मूल्य होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भी स्टेटमेंट्स बेस पे है, अभिकथन ए है कि व्यवसाय में कार्य कुशल बनने के लिए व्यवसायिक तैयारी आवश्यक है, व्यवसाय में कार्य कुशल बनने के लिए व्यवसायिक तैयारी आवश्यक है, तो ये बात तो सही है। कारण आर है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का अभिन्न अंग है, तो दोस्तों दोनों चीजें सही है बट आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन ए सही है कि आर ए और आर दोनों राइट है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भी स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन है, अभिकथन ए है कि शारीरिक शिक्षा का एक विषय तथा एक व्यवसाय दोनों है, तो शारीरिक शिक्षा एक विषय एंड एक व्यवसाय दोनों है, तो ये बात सही है, एक शिक्षण भी है एक व्यवसाय भी है एक विषय भी है। इसका कारण आर है कि शारीरिक शिक्षा के पास ज्ञान का एक अनन्य पिंड है तथा समुदाय की सेवा करने के लिए इसे उच्च विशेषज्ञता पूर्ण तथा औपचारिक तैयारी की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ, तो दोस्तों यह 1956 में प्रकाशित हुआ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम किस संस्था ने स्वदेशी शारीरिक व्यायाम क्रियाओं को प्रचारित किया, तो आपको पता है HBPM यानी हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती महाराष्ट्र, जिसकी स्थापना 1914 में दो वैद्य भाइयों के द्वारा किया गया था जो शारीरिक शिक्षा में सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा डिग्री का कोर्स करके इस तरह की भारत में संस्था पहली संस्था होने का गौरव प्राप्त है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित योजनाओं को उनके आरंभ किए जाने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको देखना है कि यहाँ पे देखेंगे एनएसएस की स्थापना कब हुआ था 1969 में, कब हुआ था 1969 में, NDS नेशनल डिसिप्लिन स्कीम की 1954 में, NCC नेशनल कैडेट क्रॉप्स की 1948 में, NPFP की 1969 में, तो आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा छोटा से बड़ा की तरफ जाएंगे कालक्रमानुसार, तो सबसे पहले देखेंगे NCC कहाँ है आपका, सबसे पहले देखेंगे NCC, तो NCC है तीसरा, यानी कि सबसे पहले कौन हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे कैसे बनेगा ठीक। एंड उसके बाद आपका होगा NCC आपका 1948 हो गया, उसके बाद 1954 आपका NDS होगा दूसरा, उसके बाद दूसरा आपका होगा NDS ठीक है, फिर आपका होगा उसके बाद 1959 ठीक है चौथा हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा दोस्तों NSS क्या है पहला आपका हो जाएगा, इस प्रकार तीसरा दूसरा चौथा पहला NSS 1969, तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है आपका
ए ऑप्शन आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, ये आपका राइट होगा। तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, ये चारों ऑप्शन में ए इस प्रकार का ऑप्शन कहीं नहीं दिया है, इसलिए चारों आपका रॉन्ग है इसमें। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी आपको मिलाना है गर्ट्स मर्स कहाँ के थे, तो ये जर्मनी के थे, जर्मनी में जिम्नास्टिक के पितामह भी कहे जाते हैं। एंड हेल्पर हेनरिक लिग कहाँ के थे, यह स्वीडन के थे, इन्हीं के नाम पर लिंगयार्ड उत्सव मनाया जाता है, जिसमें 1949 में द्वितीय लिंगयार्ड में स्टॉकहोम स्वीडन में हनुमान मियाँ एवं प्रसारक मंडल अपना प्रदर्शन किया था। एंड फ्रेंच नेशनल कहाँ के हैं, डेनमार्क के हैं। आर्किबाल्ड मैलारिन कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। इस प्रकार यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। एंड नेक्स्ट है खेल सिद्धांत है, तो यहाँ पे कौन कौन से खेल सिद्धांत है, दोस्तों कई सारे खेल सिद्धांत है, तो इसमें से आपका कौन खेल सिद्धांत है, तो विरेचन का सिद्धांत, रेचन विरेचन जिसे अरस्तु ने दिया है। यहाँ पे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायर ने दिया है, और यही दो आपका सिद्धांत है, बट और दूसरा और चौथा नहीं है। तो पहला तीसरा ऑप्शन कहाँ पे दिया है, पहला तीसरा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो आपका राइट हो जाएगा। विभिन्न खेल सिद्धांत कौन है दोस्तों, जैसे कि अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत जिसे हम थ्योरी ऑफ सरपल्स एनर्जी कहते हैं, जिसको दिया हर्बर्ट स्पेंसर एंड सीलर ने। एंड पूर्वधारणा का सिद्धांत यानी कि भविष्यदर्शी धारणा, यानी एंटीसिपेटरी या प्री एक्सरसाइज थ्योरी, जिसको दिया है कार्ल ग्रूस ने। एंड मनोरंजन का सिद्धांत जिसे दिया है लॉर्ड केम्स एंड जी डब्ल्यू पैट्रिक ने। एंड पूर्वावृत्ति सिद्धांत यानी पुनः अवलोकन, पुनर्कथन या पूर्वावृत्ति का सिद्धांत, रिकैपिचुलेटरी थ्योरी, जिसे स्टेनली हॉल ने दिया है। एंड मनोविश्लेषण यानी साइको एनालिटिक थ्योरी, मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है सिगमंड फ्रायड ने। एंड निसर्ग अनुष्ठान सिद्धांत को दिया है रूसो ने। एंड विरेचन सिद्धांत, रेचन विरेचन जिसे हम मनोभावों का धारणा भी कहते हैं, कैथेटिक थ्योरी कहते हैं, जिसे दिया है अरस्तु ने। एंड आत्म अभिव्यक्ति का सिद्धांत अहम विस्तार धारणा दिया है कोल फाड़ी ने, ठीक है। एंड एक और धारणा है सहज प्रवृत्ति की धारणा, इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी, जिसे विलियम मैकडूगल ने दिया है। एंड एक और है आपका खेल ही जीवन है धारणा थ्योरी, प्लेज लाइफ थ्योरी, दिया है जॉन डीवी ने। इतना आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको मिलान करना है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान से आप मिलाइएगा। यहाँ पे आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर बी राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, यानी कि पहला का चौथा होगा, यानी कि आपका हो जाएगा NSNIS केंद्र बंगलोर, NSNIS केंद्र बंगलोर कब स्थापित किया गया था, NSNIS का केंद्र बंगलोर, जैसे कि NSNIS नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट का मुख्य जो है केंद्र है पटियाला, जो 7 मई 1961 को स्थापित किया गया था, लेकिन इसके अन्य शाखाएं जो हैं जैसे कि बंगलोर में है, यह 1974 में स्थापित किया गया था, बट यहाँ पे 75 दिया है, ठीक। एंड दूसरा है NSNIS केंद्र गांधीनगर, गांधीनगर जो 1987 को स्थापित किया गया था। NSNIS केंद्र कलकत्ता जो 1982 को स्थापित किया था, बट यहाँ पे 82 है नहीं, 83 आपको होगा, राइट में बता रही हूँ, 82 होगा। एंड LNCPE त्रिवेंद्रम जो केरल में है, जो साई का एक शैक्षिक केंद्र है सारे शिक्षा के लिए, तो यह 1982 में, यहाँ यह 1900 क्या था दोस्तों, यह 1985 में स्थापित किया गया था, बट यहाँ पे 84 दिया हुआ है, तो इस प्रकार आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। एंड नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा की आधुनिक संकल्पना है, क्या है आधुनिक संकल्पना, अपंगों की शिक्षा की, शारीरिक शिक्षा की, समाज की शिक्षा की, शारीरिक क्रियाओं द्वारा शिक्षा, तो आधुनिक संकल्पना है शारीरिक क्रियाओं द्वारा शिक्षा।
यानी शारीरिक शिक्षा की आधुनिक संकल्पना यह है कि बच्चों की संपूर्ण तथ्यों, शारीरिक क्षमता, कौशल एवं ज्ञान को देखते हुए शारीरिक क्रिया को ही केंद्र बिंदु माना जाएगा। इस शारीरिक क्रिया से संबंधित शिक्षा उसकी उपयोगिता को प्रदर्शित करती है। याद रखिएगा, शारीरिक क्रिया को ही मेन बिंदु माना गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीड़ा सिद्धांत निम्नलिखित है तो क्या है? दोस्तों यहाँ पे क्रीड़ा सिद्धांत कौन कौन सा है, तो यहाँ पे फिर दोबारा से आ गया, तो यहाँ पे भी आपका वही है, विरेचन सिद्धांत एंड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, वन एंड थर्ड, वन एंड फोर्थ यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसके और अन्य सिद्धांतों के बारे में मैंने बताया हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए व्यावसायिक तैयारी को कौन सी संस्था कराती है? तो शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए जो व्यावसायिक तैयारी है कौन सी संस्था द्वारा शासित करती है दोस्तों? तो एनसीटीई यानी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, यानी इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। यह एनसीटीई भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षक परिषद अधिनियम यानी एक्ट के द्वारा 1993 के तहत 17 अगस्त 1995 को एनसीटीई की स्थापना किया गया। यह सारी शिक्षा के शिक्षकों के लिए व्यावसायिक तैयारी को एनसीटीई संस्था शासित करती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स बेस पे, तो यहाँ पे अभिकथन ए है कि सारी शिक्षा कला और विज्ञान है, बात सही है। तर्क आर है कि व्यावसायिक और सृजनात्मक मूल्य होता है, तो यहाँ पे दोनों आपका राइट है, तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, यह अभिकथन ए और आर दोनों सत्य है किंतु तर्क आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर, यानी कि अभिकथन ए है कि सारी शिक्षा की व्यवसाय को ऊंची योग्यता प्राप्त कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकों के पास विषयों तथा कौशलों का गहन अध्ययन, निर्देशन की क्षमता तथा व्यवसाय के लिए प्रेम आवश्यक है। एंड ये बात तो सही है, ठीक है। एंड आर है कि शिक्षा व्यवसाय से इनाम तथा सम्मान, वित्तीय स्थिरता, उच्च सेवानिवृत्ति देयक प्राप्त होता है, जहाँ पे इस तरह का बात हो हमेशा गलत रहेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट है, ए सही है बट आर गलत है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अभिकथन से रिलेटेड है, अभिकथन ए है कि बढ़े हुए भाव प्रबोधन से खिलाड़ी के ध्यान में कमी आती है, ठीक है, बढ़े हुए भाव प्रबोधन से खिलाड़ी के ध्यान में कमी आती है, ये बात तो सही है, भाव प्रबोधन बढ़ जाएगा तो ध्यान में कमी आएगा जिससे आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। और तर्क आर है कि खिलाड़ी जो उस खेल में भाग लेते हैं जहां बड़े पैमाने पर अवधान जागरूकता अपेक्षित होती है वहां सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्न भाव प्रबोधन स्तर आवश्यक है, तो नहीं दोस्तों इतना ज़्यादा नहीं आवश्यक है, थोड़ा मोड़ा चलता है, बट यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों सही हैं अपने अपने स्तर से, बट आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं किया है कि किस प्रकार से कमी होता है, ऐसा कहना चाहिए था, तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट कि ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विख्याता शारीरिक शिक्षाविदों ने शारीरिक शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का वर्णन किया है, विख्याता शारीरिक शिक्षाविदों ने शारीरिक शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का वर्णन किया है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे राइट हो जाएगा 3 और 4, यानी कि उत्तम मानव संबंधों का विकास एंड उत्तम नागरिकता का विकास, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन से रिलेटेड है, अभिकथन ए है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा है शारीरिक माध्यम से, शारीरिक शिक्षा शिक्षा है किसके माध्यम से? शारीरिक माध्यम से, तो ये बात सही है। आर है तर्क कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, तो यहाँ पे दोनों सही हैं दोस्तों, यहाँ पे दोनों सही हैं,
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले शारीरिक शिक्षा का स्नातकोत्तर कोर्स किस वर्ष में शुरू हुआ, यानी कि MPED 1963 में कब शुरू हुआ, 1963 में कब शुरू हुआ, 1963 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में 3 वर्ष का बैचलर कोर्स BPE 1957 में शुरू हुआ तथा 2 वर्ष का मास्टर कोर्स PG यानी MPED 1963 में शुरू हुआ, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शारीरिक शिक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए निम्नलिखित चरणों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो यहाँ पे आपको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका नेशनल इफिशियंसी टेस्ट जो 1971 में, ठीक है, नेशनल फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट कब हुआ है 1971 में, और अमृत कोर्स राजकुमारी अमृत कोर्स कब शुरू हुआ है 1953 में, NNCPE 1957 में, ए 1957 में, एंड एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन, एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1959 में, ए 1959 में। तो कौन आपका यहाँ पे राइट होगा, तो यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि राइट कौन होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपका हो जाएगा, छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे तो 1953 चलेंगे, 1953 कहाँ है, राजकुमारी अमृत कोर कोचिंग 1953, यानी कि पहले 2 होगा, ठीक है, पहले कौन होगा, 2 होगा। उसके बाद आपका 1957 LNCPE होगा, यानी कि तीसरा होगा, ठीक। उसके बाद होगा आपका 1959 एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन चौथा, ठीक है। उसके बाद आपका होगा नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पहला, 2, 3, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, तो 2, 3, 4, 1 नहीं दिया है कहीं पे, इसलिए यहाँ पे सभी ऑप्शन गलत दिया है, तो ये आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों आपको मिलान करना है, यहाँ पे आराम से मिलान कर सकते हैं। 1953 में कौन हुआ था दोस्तों, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम, तो ए का 2 हो गया। एंड 1956 में क्या हुआ था, नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन प्रकाशित हुआ था, तो 2 का 3 हो जाएगा। एंड 1954 में क्या हुआ था, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम NDS की स्थापना हुआ था, तो 3 का 4 हो जाएगा। एंड 1984 में 25 जनवरी 1984 में हुआ था स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI की स्थापना, तो 4 का 1 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, तो यहाँ पे आपको कौन सा उद्देश्य है शारीरिक शिक्षा का दोस्तों, तो शारीरिक अंगों का विकास करना है, आप उद्देश्य है ही, स्वास्थ्य का विकास करना, सामाजिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, तो ये सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी को छोड़कर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए, यहाँ पे ए बी को मिलान करना है सूची 1, 2 को, तो यहाँ पे आपको देखना है कि नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एक्ट, दोस्तों जो हमारा NCTA था उसका जो एक्ट था वो एक्ट 1993 के एक्ट के तहत 1995 को NCTA की स्थापना किया गया था, तो एक्ट आपका कहाँ पे हो जाएगा, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एक्ट, तो कब हो जाएगा 1993, तो ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 आपका कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। एंड फिर आपका हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1973, बी का 1। एंड आपका हो जाएगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन स्वायत्त इकाई के रूप में जो NCTE है वो आपका हुआ था 1995 में, सी का 2 हो जाएगा। एंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन,
ये हो जाएगा आपका 1986 में। इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। एंड यहाँ पे दिया हुआ है अच्छे से, तो देख लीजिएगा। एंड दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, डिटेल में तैयारी कीजिए, तभी आपका भला हो पाएगा। क्योंकि इतना कंपटीशन का दौर चल रहा है, तो आप ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, मेहनत में चोरी करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और डेली बेसिस मेरे साथ प्रैक्टिस भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी, ठीक है। और पूरे जोर जमा से आप लगे रहिए पूरे जोश के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।